रंगे नई परिभाषा नई जीवन की आशा नए सपनों से शुरुआत करें हम नए सपनों से शुरुआत करें हम मुश्किल का भी उपहास करें हम हैप्पी 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 न्यू ईयर हैप्पी 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 न्यू ईयर। नौ वर्ष शुरू हो चुका है और जनवरी माह में सभी ओर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं साधना श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत पत्रकारिता एवं जनसंचार की सहायक प्राध्यापिका एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आपको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और आज हमारा विषय जो है वो है रेडियो जर्नलिज्म। आज मैं बात करूँगी रेडियो पत्रकारिता के बारे में। आज हम बात करेंगे रेडियो जर्नलिज्म की। रेडियो जर्नलिज्म जो कि पत्रकारिता की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। जब हम बात करते हैं आवाज़ का जादू, शब्दों का खेल और मौन की भी अपनी एक भाषा होती है। जब हम इन तीनों शैलियों का दायक रेडियो पर है, सामुदायिक रेडियो और सामाजिक परिवर्तन पर, तो रेडियो पे आपको पीएचडी करने के लिए बहुत सारे शोध के विषय मिल जाएंगे, जिसमें कि आप उसके प्रोग्रामों के कंटेंट एनालिसिस, जिसे हम अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते हैं, उस पर शोध कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट्स पर शोध कर सकते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर कर सकते हैं, उनके संगठनात्मक ढांचे पर कर सकते हैं, या फिर जो भी रेडियो का प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर, इफेक्ट पड़ रहा है, तो रेडियो इतना समझ लीजिए आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ये एक ऐसा विषय जिसे आपको सिद्धांत के रूप में भी पढ़ना है और साथ साथ में आपको पढ़ना है इसका रचनात्मक पक्ष। कुछ चीज़ें आपको किताबों में लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन जब तक उनका आप व्यवहारिक प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक उन्हें आप आम बोलचाल की भाषा में नहीं लाएंगे, तब तक आप इसको नहीं समझ सकते हैं, इसके बारे में नहीं कर सकते। तो ये तो मैंने थोड़ी सी आपको बताई भूमिका रेडियो के बारे में। अब तक आप समझ चुके होंगे, आपके मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे होंगे, तो आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या विश्वविद्यालय परिसर में मैं रहती हूँ, आप कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं, प्रयागराज का जो मुख्य परिसर है फाफामऊ शांतिपुरम में, या आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, मैं कमेंट्स से आपको जवाब दूंगी इन बारे में कि आपको इस चीज़ों को ये समझना है। जो भी किताबें मिल रही यूजीसी नेट से जुड़ी हुई, जो विश्वविद्यालय का एसएलएम है या अन्य पुस्तकें हैं, उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो आपका सैद्धांतिक पक्ष तैयार करेंगे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है इसका व्यवहारिक पक्ष या प्रोग्राम बनाने के लिए, जिसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है आपको जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम कैसे बोलें, हमारी पिच क्या हो, हमारे शब्दों में किस तरीके का प्रयोग हो, किस तरीके से दोहराव ना हो। और ये प्रैक्टिस आपको एक दिन में नहीं आएगी, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको जब छात्र जीवन में है तो आप लोगों को खुद से, मैंने तो कई क्लास में एफएम शो या इन सारी चीज़ों को कराते हुए किया, क्योंकि कई ऐसी व्यवहारिक चुनौतियां होती हैं जो आपको किताबों में देखने में बहुत अच्छी लगती है कि नहीं भाई, किताब में लिखा है शब्द छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो कैसे होना चाहिए, उन शब्द सीमा का कैसे ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम पूरा एक विम्ब या एक पूरे मंच पे एक सीन प्रस्तुत कर देते हैं बिना किसी दृश्य के, कैसे हम श्रोताओं के मन मस्तिष्क को समझ लेते हैं और उसमें प्रोग्राम की छाप छोड़ देते हैं, रेडियो की यही सबसे महत्वपूर्ण विधा है। तो रेडियो की इन बातों पे, शैलियों पे, भाषा की बारीकियों पे मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ, आप तब से देख रही हूँ कि ये महत्वपूर्ण तिथियाँ लिखी हुई हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में रेडियो की शुरुआत के क्या लक्ष्य थे या आकाशवाणी के क्या उद्देश्य थे, तो आपको ध्यान रखिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। कभी भी जब रेडियो की बात करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहला उसका जो होता है कि वो इन्फॉर्म करता है, लोगों को सूचना देता है कि क्या घट रहा है, जिसमें रेडियो समाचार सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक, कम शब्दों में पूरी बात और पूरे दिन की खबरों को आपको सुना देते हैं चंद शब्दों में। दूसरा पक्ष है शिक्षा। अगर आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स के नाम सुने होंगे, रेडियो प्रसारण की बातें सुनी होंगी, तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स अलग अलग बने हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि समाज को शिक्षित करने में, साथ में जागरूक करने में, समाज में जो भी बुराइयां व्याप्त हैं उनको दूर करने में रेडियो के बहुत अच्छे और सरल तरीके से काम कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ये पहले कर रहा है, उन चुनौतियों को मैंने अपने कार्यकाल के दौरान में, अपने पीएचडी के दौरान में, जब मैंने गांव-गांव जाके पीएचडी की, तब मैंने देखा, गांव को समझा, और तब मैंने ये पाया कि नहीं, आज भी रेडियो एक महत्वपूर्ण साधन है। ऐसा साधन है कि चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे वो छात्र जीवन में हो, सबसे ज़्यादा कैरेबल है, आप कहीं भी उसको लेके जा सकते हैं, उसको कैरी कर सकते हैं, बिना बिजली के भी आप बैटरी से चला सकते हैं, मतलब इसके इतने लाभ हैं कि जब आपको मनोरंजन करना हो,
एक समय ऐसा था जब एक बड़ा सा टीवी सेट होता था और बड़े बूढ़ों के बीच में आपको बैठने में संकोच लगता था, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको मैथ लगानी है तो कुछ गाने चाहिए, कुछ ऐसी चाहिए, तो छात्रों के लिए भी हमेशा एक बहुत उपयोगी साधन के रूप में रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा देने का भी कार्य करता है और शिक्षा के एक बहुत महत्वपूर्ण या बहुत एक साधक के रूप में आया है। और छात्र जीवन में मुझे ऐसा लगता है आप सब इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं होंगे, आप सब जानते होंगे कि छात्र जीवन में रेडियो ने कितनी अहम भूमिका निभाई है। यही कारण है कि गुड मॉर्निंग FM RJ ये सारे शब्द आपके जबान पे चढ़ गए होंगे, गूंजते होंगे। आप चाहे नीलेश मिश्रा की आवाज़ हो, चाहे पुराने समय में अमीन सयानी की आवाज़ हो, उनको आप भूल नहीं सकते, वो नाम सिर्फ आवाज़ के जादू से चढ़े हैं। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही जज्बा रखते हैं, कुछ ऐसा ही नाम चाहते हैं, तो आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। थोड़ा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा आसान भी नहीं है, कई चुनौतियां भी हैं जो मैंने खुद अपने व्यवहारिक जीवन में झेली हैं। और जिन चुनौतियों को झेलने के बाद मुझे ये महसूस हुआ है कि कुछ भी बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। आपको अपने हौसलों से काम करना है और अपने अपनी सकारात्मक क्षमता को पहचानना है, आपको कन्विंस करना है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको अपने श्रोता को समझना है। रेडियो में दो पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक बोलने वाला और दूसरा सामने वाला श्रोता। तो सूचना की बात आपको समझ में आ गई, शिक्षा की बात आपको समझ में आ गई, अब मनोरंजन की बात करते हैं। तो जितने लोग भी होंगे उन्होंने कभी ना कभी पिटारा का नाम जरूर सुना होगा, हवा महल का नाम जरूर सुना होगा, यो वाणी का नाम जरूर सुना होगा, और सिबाका गीतमाला को तो कोई भी भूल नहीं सकता है। जितनी भी बचपन में कॉमिक्स आती थी, जो भी कार्टून कैरेक्टर्स थे, चाहे वो चाचा चौधरी हो, चाहे बाकेलाल हो या पिंकी हो, उन सब पे एक रेडियो फॉर्मेट में प्रोग्राम आते थे और उनको साबू की बातों को, चाचा चौधरी की शिकायतों को, नसीहतों को सब ने हमने रेडियो पे सुना है। तो ये तो आपके तीनों पक्षों की बात करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भारत में रेडियो कब आया। ये जो आप तिथियां देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण तिथियां, 1923 में रेडियो तो नहीं आया लेकिन रेडियो क्लब्स खुले, ट्रांसमिशन के तहत थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रसारण हुए कलकत्ता में। 24 में, जब 1924 की बात करते हैं तो मुंबई और मद्रास में ये प्रसारण शुरू हुए। 1927 में, ये तिथियां आपको मैंने इसलिए लिखी क्योंकि ये तिथियां आप बैठा लीजिए दिमाग में, 1927 में पहली बार भारत में, 1926 में लाइसेंस मिला था लेकिन 27 में प्रसारण शुरू हुआ था, और इसको कहा गया था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। आपको दो शब्दों को ध्यान रखना, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, और 1930 में यही नाम बदल के हुआ था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कंपनी और सर्विस में, तो बहुत छोटा सा तरीका बदल, जब कंपनी खुलेगी तभी तो सर्विस मिलेगी। तो 1927 में कंपनी खुल गई और 1930 में आपको सर्विस मिल गई। तो आपको तीन डेट्स याद हो गई, 1927 में जो है रेडियो का प्रसारण आया और इसकी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनी, 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बनी जो कि हम ऑल इंडिया रेडियो नाम जान रहे, वो 1936 में पड़ा, और 1957 ये कि बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि विविध भारती की सेवाएं 1957 में शुरू हुई थी। तिथियां ऐसी बहुत सारी आपको मिलेंगी जो आपको धीरे धीरे याद करनी पड़ेंगी। ये मैंने एक आपको तरीका बताया है कि कैसे आप एक सैद्धांतिक बातों को, कैसे आप डेट्स को याद कर सकते हैं छोटी छोटी बातों के तहत। क्योंकि UGC नेट की जब हम बात करते हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन यही होता है भारत में रेडियो कब आया था, या रेडियो की जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी, या कैसे कैसे प्रोग्राम थे, इसका ग्रामीण प्रसारण कब शुरू हुआ, या 1948 में जब आज़ादी के बाद प्रसारण हुआ तो महात्मा गांधी ने जो एक प्रसारण दिया था आज़ादी के, उससे रिलेटेड। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डेट्स के बारे में बताती रहती हैं। अब आपको हम बता रहे हैं AIR, FM और कम्युनिटी रेडियो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तीन क्या हैं या तीन कैसे हैं। तो AIR जो है, आप जो इसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक सरकारी उपक्रम है, आकाशवाणी जिसे हम कहते हैं, जो प्रसार भारती के अधीन रहता है। FM प्राइवेट चैनल्स हैं, आपने सुना होगा रेडियो मिर्ची, रेड FM और सारी चीज़ें। कम्युनिटी रेडियो, सामुदायिक रेडियो जो है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि 1995 के बाद भारत में आया। इसमें यह था कि जो पी सावंत थे, जस्टिस पी सावंत थे, उन्होंने एक निर्णय दिया और कहा कि जो भी रेडियो की संपत्ति है वो कोई सार्वजनिक संपत्ति है, कोई किसी का एक का मालकाना हक नहीं है। और भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हिंद देश के निवासी हम सभी एक हैं, भिन्न भिन्न जाति, और भिन्न भिन्न जाति हैं, भिन्न भिन्न भाषाएँ हैं, जगह जगह समय समय पर दूरियाँ बदली हैं। तो जो कम्युनिटी रेडियो है ये एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए काम करता है, 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में काम करता है,
और इसके साथ सबसे खास बात ये है कि ये एक विकास का उपक्रम है, एक सोशल वर्क का उपक्रम है, ये व्यावसायिक पक्ष नहीं रखता है, जबकि एफएम की जब हम बात करें तो ये एक व्यावसायिक पक्ष रखता है। और सामुदायिक रेडियो जो है, इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि ये पर्टिकुलर समुदाय के लोगों के लिए, समुदाय की जरूरतों को देख के और समुदाय के हितों को देख कर उसके बारे में काम करता है। तो ये सारी चीज़ें अब आप समझ चुके हैं, अब आप जान चुके हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, इस पे और गहन अध्ययन करिए, डेट्स याद रखिए, चीज़ें याद रखिए। और थोड़ा सा अब हम बात करते हैं इसकी भाषा शैली या रेडियो की भाषा में किन चीज़ों का हमें स्पेशली या विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो एक चीज़, कुछ मैं अपने निजी जीवन की चुनौतियाँ बताना चाहूँगी, जो निश्चय ही आपको आभास हुआ होगा कि अभी भी मेरे व्याख्यान में आ रही हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि उन चुनौतियों को दूर आप भी करते हैं, फिर आपको घबराहट होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो मैंने स्टूडियो के दौरान महसूस की, या जो ऐसी चीज़ें थी कि जब रेडियो की आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो धीरे 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 आपको कई छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर डायरेक्ट प्रैक्टिकल की बात बताऊँ, टू दी पॉइंट की बात बताऊँ, और आप चाह रहे हैं कि आप कल ही जाके रेडियो में प्रोग्राम दे दो और आप मिलो और आपको प्रोग्राम मिल जाए, तो उसके लिए आपको चार चीज़ें सबसे पहले करनी पड़ेगी। अपने वॉइस की पिच को समझना पड़ेगा, शब्दों के कंटेंट को समझना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा अपनी बॉडी लैंग्वेज को, क्योंकि कभी कभी हमें बॉडी दिखाई तो नहीं देती है रेडियो में, हमें सिर्फ सुनाई देती है, लेकिन उससे हमें दृश्य उपस्थित करना है। लेकिन वो दृश्य हम कैसे उपस्थित करेंगे, उन चीज़ों का हम कैसे ध्यान रखें, क्योंकि आपको मैं ये भी बता दूं, अगर क्योंकि आप एक चीज़ के कर सकते हैं, मैं सिद्धांत की बात कम करती हूँ, मैं व्यावहारिक बातें ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जो हमारी किताबों में बातें लिखी हुई हैं बहुत सही बातें लिखी हुई हैं, लेकिन उन बातों को जब हम फील्ड में उतरते हैं या जब हम जॉब करने के लिए जाते हैं या हम यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो उनको हम टैली नहीं कर पाते हैं। तो ये दिक्कतें उन किताबों की नहीं है दोस्तों, ये दिक्कतें आपकी हैं, क्योंकि आपने किताबों को रटने की पद्धति से पढ़ा है, उन्हें समझने की दृष्टि से नहीं पढ़ा है। जैसे आप सबने पढ़ा होगा, यकीनन मुझे उम्मीद है, जहां हम रेडियो की भूमिका की बात करेंगे कि रेडियो के शब्द छोटे होने चाहिए, रेडियो जो है वो शब्दों के जरिए दृश्य उपस्थित करता है। तो भाई कैसे करता है, ये आपने कभी कोशिश की है? थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूं, आप सोचिए कि शिमला में बर्फ गिर रही है, ठंड लग गई, ठंड का समय चल रहा है, बर्फ गिर रही है, और वहां पे कोई मशहूर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित है, ऐश्वर्या राय है, या कोई भी घूमने के लिए गई, और वो बर्फ के छोटे छोटे गोले बना के खेल रही है, ठीक है। अब अगर इसी सीन को हमें टीवी में दिखाना है तो हमारे पास बहुत स्कोप है, क्योंकि हमारे पास उस अभिनेत्री का चेहरा भी है, उसके कपड़े भी हैं, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, और शिमला की खूबसूरत वादियां दिख रही हैं, तो हमारे पास बहुत आसान है, हम कम शब्दों में अपनी बात रख सकते हैं। आने वाले अगले लेक्चर्स में बताऊंगे कि विजुअल्स के लिए कैसे लिखते हैं, तब मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगी, आज मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ रेडियो के बारे में। तो अब अगर इसी दृश्य को आपको दिखाना है रेडियो पे तो आप कैसे दिखाएंगे? तब आपको शब्दों के जरिए बताना पड़ेगा कि शिमला की हसीन वादियों में बर्फ के छोटी छोटी गेंद बनाकर खेलती ऐश्वर्या राय, देख के आपको भी ठंडक लग रही होगी, देख के हमें भी ठंडक लग रही होगी, मौज मस्ती और छुट्टी मनाने आई है अभिनेत्री। तो आपके सामने क्या हुआ, जब मैंने ये सेंटेंस बोले तो आपके सामने पूरा एक विजुअल उभर के आ गया कि हाँ, यहाँ पे बहुत बर्फ है, यहाँ पे जो ये अभिनेत्री हैं वो ये चीज़ें कर रही हैं। तो शब्दों में दृश्य का प्रयोग करना है। अगर हमको एक क्लासरूम का सीन बनाना है और हम ये देख रहे हैं कि क्लासरूम में, तो हमारे पास विजुअल्स के साथ बहुत सपोर्ट है, लेकिन अगर हमें टीचर्स का सीन बनाना है, जैसे इसी बात पे मुझे एक रेडियो नाटक याद आ गया अपना, मैंने जो एक नाटक लिखा था वो एक अनपढ़ लड़की के लिए था कि उसके भाई को सब पढ़ने के लिए भेजते हैं स्कूल, बट वो घर का काम करती है और उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। अब उसके अंदर की मुझे कसक दिखाना है, वो खिड़की पे खड़ी हुई है और वो बाहर स्कूल जाते बच्चों को देख रही है, वो घर का सारा काम कर चुकी है, लेकिन उसे ये बताना है कि मुझे भी स्कूल जाना, नहीं मम्मी मुझे भी पढ़ना है। तो आप कैसे बताओगे, टीवी में तो आप उसको रोता दिखा दोगे, टीवी में आप उसके फटे कपड़े दिखा दोगे, उसको घर का काम करता दिखा दोगे, लेकिन यही सीन अगर आपको रेडियो में बताना है तो आप कैसे बताओगे? ये एक बड़ी चुनौती थी। तो इसके लिए फिर मैंने एक जो लिरिक्स लिखे थे उसको मैं सेम उसी प्रारूप में गा के उसी भाव के साथ सुनाना चाहूंगी, ताकि आप समझ सकें कि कैसे दृश्य का अंतर शब्दों से और भावों से चेंज होता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि भाई स्कूल जा चुका है, उसने घर का पूरा काम कर लिया है, और लड़की भी माँ से कह रही है कि मुझे भी स्कूल जाना, और वो खिड़की पे खड़ी होके देख रही है बाहर स्कूल जाते बच्चों को। तो, मैं भी पढ़ना चाहूँ, मैं भी लिखना चाहूँ, बनके आ
चाँद चिड़ैया नील गगन में उड़ना चाहूँ। तुम ही तो बाबा मेरे दिल का टुकड़ा तेरे, तुम ही तो बाबा मेरे दिल का टुकड़ा मेरे। बात सुनो ओ बाबुल मेरे, बात सुनो ओ बाबुल मेरे। मैं भी पढ़ना चाहूँ, मैं भी लिखना चाहूँ। इस संगीत में आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा, मैंने बाबुल शब्द प्रयोग किया है, बाबा शब्द प्रयोग किया है। क्योंकि जब हम लोग CLP प्रोग्राम कर रहे थे लखनऊ में और हम लोगों को जब प्रोग्राम किया, तो जैसे आप क्लासरूम में बैठ के सोचते हो ना, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और तरक्की हो चुकी है। मैंने पहला रेडियो प्रोग्राम क्या बनाया अपने CLP में, घर से करें रोजगार। लेकिन जब मैं लखनऊ के गाँवों में गई, आसपास के गाँव में गई, तब पता चला कि आज भी पढ़ाई की समस्या, आज भी वहाँ लड़कियों की कम उम्र में शादी हो रही है, आज भी वहाँ स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, वहाँ पे हेल्थ की समस्याएं। मेरी जो को एंकर थी उनकी मदर की डेथ सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि रातों रात वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाई थी, लखनऊ तक नहीं आ पाई थी। तो ये बुनियादी समस्याओं पे कौन काम कर रहा है, इन बुनियादी समस्याओं पे रेडियो काम कर रहा है। तो बात मैं यहाँ पे कह रही थी बाबुल, हम इसमें ये भी कह सकते थे कि तुम ही तो माँ हो मेरी दिल का टुकड़ा तेरे। लेकिन नहीं, आज के देश में भी कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक सत्ता है, और जब तक समाज का पुरुष वर्ग महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं आएगा, तब तक समरूपता नहीं आएगी। और हमें महिला सशक्तिकरण, सही महिला सशक्तिकरण या वो चीज़ें तब आएंगी जब पुरुष और महिलाएं समान रूप से समस्याओं पे ध्यान देंगे और चीज़ों की बात करेंगे। तो मेरे अधिकांश रेडियो प्रोग्राम्स की जो टारगेट ऑडियंस थी, जैसे टारगेट, अभी कुछ शब्दों को मैं शब्दावलियों का प्रयोग आपको डायरेक्ट कर रही हूँ तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। जैसे श्रोता, श्रोता वो होते हैं जो सुनते हैं, और टारगेट ऑडियंस यानी कि एकदम लक्ष्य भेदित केंद्रित समूह या टारगेट करके बनाया हुआ फोकस्ड ग्रुप वो होता है जिसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो जो भी मैंने 10 एपिसोड के सीरियल्स बनाए, जमाना बदल गया, ये चीज़ें, उसकी टारगेट ऑडियंस गांव का पुरुष वर्ग था। उसमें क्योंकि महिलाएं पढ़ेंगी, कौन माँ ऐसी होगी, मैक्सिमम अनपढ़ माओं का कहना था कि नहीं हमने नहीं पढ़ा, हमें ये दिक्कत हुई, हमें पढ़ने जाना है। लेकिन दिक्कत कहाँ से आती है, दिक्कत वहाँ से आती है कि जब तक कोई भाई ये नहीं कहेगा, वो भाई कैसे पढ़ने चला गया कि उसकी बहन ने नहीं पढ़ा। तो समस्या जो आ रही है वो समस्या यहाँ से आ रही है कि हमने जो समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। ये एक मैं व्यवहारिक कार्यक्रम की बात बता रही हूँ, मुद्दों से आप भटकिएगा नहीं, क्योंकि आप कहेंगे कि मैम जो है कहाँ से कहाँ पहुँच रही, लेकिन थोड़ा सा फील्ड में रहने की वजह से ऐसी स्थितियाँ उभर आती हैं। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी एक और प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि आपको जो मैं बता रही हूँ कि कैसे शब्द बनते हैं, कैसे शब्दों से खेला जाता है और कैसे एक सिचुएशंस को क्रिएट किया जाता है। तो मुझे अपना सीरियल, 10 एपिसोड का सीरियल मैंने CMS कम्युनिटी रेडियो के लिए बनाया था, जमाना बदल गया। जमाना बदल गया की थीम ही यही थी कि उसमें 10 सामाजिक समस्याओं को उठाया गया था, जिसकी सीरीज का एक ये गाना था मैं भी पढ़ना लिखना चाहूँ, और उसमें एक होता है सिग्नेचर टोन। तो जब बात करें आपको सिग्नेचर टोन की भी, आगे मैं जब बताऊंगी तो पूरा बताऊंगी, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको संक्षेप में बता दे रही हूँ। जब भी कोई सीरियल शुरू होता है या कोई प्रोग्राम शुरू होता है, तो उसको जो जिसकी कास्टिंग से ही हम समझ लेते हैं कि भाई ये प्रोग्राम आ रहा है, जैसे आप रेडियो में कहीं भी बैठे हो, कहीं भी बज रहे हैं और वो गाना आपके दिमाग में गया, वो टोन आपके दिमाग में गई, तो आप तुरंत आ जाएंगे, वो होती है सिग्नेचर टोन। तो अब मुझे बताना था कि जमाना बदल चुका है लेकिन लड़कियों को आज भी ये हक नहीं मिल रहे हैं। तो अब इसको हम उपदेश की शैली में भी कह सकते हैं और इसको हम संगीत की शैली में भी कह सकते हैं। इसके अगले व्याख्यान में मैं इसको और विस्तार से बताऊंगी, जिसमें कि भाषा शैली और भाषा का अंतर होगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ संक्षेप में एक बात ये कहना चाहूँगी कि रेडियो का जब प्रोग्राम बनाते हैं तो 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, शब्द, संगीत और मौन। क्योंकि जितना हमारे अंदर बोलने की भाषा है, कहते हैं ना, तुम चुप थे हम चुप थे, जुबा भी खामोश थी, कह दी हमने दिल से दिल की बात, जज्बातों में वो आवाज़ थी। तो कभी कभी ये जो आवाज़ होती है, ये जो शब्द होते हैं, ये बोलने से भी साइलेंस आता है। अगर आपको पुरानी फिल्में याद हो, एक दिया जल रहा है और किसी का डेथ सीन दिखाना, तो ये नहीं कहते थे कि वो मर गए, एक दिया जल रहा है, म्यूज़िक चल रही है और दिया बुझ गया, कुछ देर की खामोशी आ गई। तो रेडियो में खामोशी का बहुत महत्व है, रेडियो में शब्दों और सीमाओं का बहुत महत्व है। बड़ी से बड़ी बात को संक्षेप में कैसे कहना, इसका एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगी आपको। जमाना बदल गया, सोच नहीं बदली, जो सोच नहीं बदलोगे तो बोलो क्या कर लोगे, बेटी को भी बेटे जैसा हक देना, फिर गर्व से कहना, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया।
चार लाइनों में पूरे सीरियल का कॉन्सेप्ट या पूरी बातें आ गई कि जमाना बदल गया नहीं है लेकिन सोच नहीं बदली है। जब तक हम सोच पे काम नहीं करेंगे तब तक हम समाज में बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे कैसे हम छोटी बातों को शब्द सीमा के हिसाब से कहें, कैसे हम उन बातों को अच्छे से रख पाएँ और कैसे उन चीज़ों को हम कह पाएँ। अब इतना तो आप समझ गए हैं। अब अगले जब हम बात करते हैं तब इसके कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं रेडियो के, कई सारी बातें और होती हैं, तो उसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी कि रेडियो किन शब्दों को लेता है और किन शब्दों को नहीं लेता है। जैसे द्वारा, कभी भी द्वारा एक ऐसा शब्द है कि कभी आप ये नहीं कहेंगे इसके प्रधानमंत्री द्वारा फीता काटा गया, प्रधानमंत्री ने फीता काटा, या किसी ने उद्घाटन किया तो द्वारा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, या किन किन चुनौतियां बारीकियों का सामना करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं रेडियो जर्नलिज्म में जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा, जब तक आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर जानने की क्षमता नहीं आएगी, तब तक रेडियो जर्नलिज्म को समझा पाना बहुत ही मुश्किल है और तब तक रेडियो जर्नलिज्म के बारे में बात कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप प्रयास करते रहिए, जानते रहिए, पढ़ते रहिए और शब्दों से खेलते रहिए। एक एक शब्द के आपको पर्यायवाची जानना बहुत ज़रूरी है, आपको हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ी सी जब हम आज प्रैक्टिकल और इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहे हैं तो एक दो और एग्जांपल्स देना चाहूँगी जिससे आपको और आसानी होगी रेडियो को समझने की। ये तो मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स के बारे में बता रही थी। रेडियो में जब लाइव प्रोग्राम आते हैं तब और संकट होता है। संकट ये होता है कि आपका कॉलर जो है आपको कॉल कर रहा है, आपके पास म्यूज़िक भी सेट करनी है, उसकी पसंद का गाना भी देना है, और कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं उसके मनोविज्ञान को भी समझना है, क्योंकि कॉलर लाइव है, कॉलर का आप अपमान नहीं कर सकते हैं। ये कोई एडिटिंग तो नहीं हो रही है, ना ही यहाँ पे कोई स्टूडियो में आपको रिकॉर्डेड, तो लाइव प्रसारणों में और सजगता की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पहले जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया कि कैसे शब्दों को कम करके शब्द सीमा के साथ पढ़ें, अब दूसरी चुनौती मैं बताती हूँ लाइव प्रसारणों की। इन तीनों का अंतर मैं अगली व्याख्याओं में बताती रहूँगी, लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम आती है जब भी लाइव प्रसारण होते हैं, जैसे कि जब CMS कम्युनिटी रेडियो गोमती नगर वाली ब्रांच में मैं थी लखनऊ में, तो माटी के गीत एक प्रोग्राम था। माटी के गीत प्रोग्राम की खास बात ये थी कि जो भी लोकगीत हैं, बन्ना बन्नी है, या जो भी सामुदायिक कार्यक्रम है इस तरीके के, उनको वो लाइव देता था। उसमें फिल्मी गाने पूर्णतः बैन थे, उसमें फिल्मी गाने नहीं गाए जा सकते, क्योंकि जब हम कम्युनिटी रेडियो या सामुदायिक रेडियो की शर्तों की बात करते हैं तो उसमें ये साफ साफ कहा जाता है कि ये समुदाय के हित की बात करेगा, जो भी हमारी लोक संस्कृति या परंपराएं हैं उसको आगे बढ़ाने की बात करेगा, लेकिन उसकी बात नहीं करेगा। एक कॉलर का फ़ोन आ गया, मैं ऑनलाइन थी, एकदम लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी, एकदम लाइव गाने की उस पर चल रहे थे, माटी के गीत की एंकरिंग चल रही थी। उसने सीधे सीधे कहा कि एक फिल्म का कोई गाना था जो कि बहुत ही उस तरीके से था कि लाल लाल होठों पे गोरी तेरा नाम हम सुनना चाहते हैं। अब उस वक्त मैं जान रही थी कि वो मेरे साथ ईव टीचिंग का प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं लाइव हूँ तो मैं उससे बहस नहीं कर सकती हूँ, मुझे उसी लैंग्वेज में बात करनी है और मुझे उसी टोन से, अपने कॉमन सेंस से, अपनी सृजनात्मकता क्षमता से उस ऑडियंस को डील करना है, क्योंकि वो कट नहीं हो सकता है। सेम यही प्रॉब्लम लाइव रिकॉर्डिंग्स में भी आती है, लाइव चाहे किसी भी उसमें हो, कि ऑडियंस श्रोता आपके भगवान है, आपको श्रोताओं के अनुरूप चलना है, श्रोताओं के हिसाब से चलना है। तो अगर श्रोता ये कह रहे हैं कि आपको ये गाना सुनना है, वो आपके फॉर्मेट में नहीं है, तो आप उस सिचुएशंस को कैसे डील करेंगे। मैंने जो किया वो मैं आपको बताती हूँ। तो उस समय ऐसा हुआ, जब उसने किया तो मैंने कहा नमस्कार, पहले आप अपने बारे में बताइए। उन्होंने अपना नाम बताया, फिर मैंने कहा और आप क्या करते हैं, उन्होंने वो बताया, फिर मैंने तीसरा सवाल उन पर तुरंत दागा, और ये बताइए आपने फ़ोन कहाँ लगाया, आप क्या क्या सुनना चाहते हैं, आपकी क्या क्या फरमाइशें, आपकी क्या क्या ख्वाहिशें हैं। उन्होंने बताया कि मैं माटी के गीत पे मैंने फ़ोन लगाया और ये प्रोग्राम्स आते हैं। मैंने अगला क्वेश्चन उन पर तुरंत दागा, तब तो आप जानते होंगे कि माटी के गीत में किस तरीके के गाने आते हैं। तो हमारी, फिर मैंने खेद प्रकट करते हुए कहा, हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, आपके मनोरंजन के लिए हम पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन हम मजबूरियों के साथ आपका दिया गाना नहीं सुना सकते और हम आपको सुनाएंगे एक भजन। अब आप अपने भजन में कोई बता सकते हैं कि आपकी क्या च्वाइस है। फिर उसने वो भजन बताया और वो सिचुएशन वहीं पे नॉर्मल हो गई। तो यहाँ पे मैं बात सिर्फ आपसे कह रही थी उन फील्ड की चुनौतियों, क्योंकि रेडियो जर्नलिज्म को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं कि नहीं रेडियो है, हम स्टूडियो में बैठे हैं तो हमें कोई चैलेंज ही नहीं है, हमारे पास एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है, हम उसको बोलेंगे, हम शब्दों को छोटे में लिखेंगे, हम डायरेक्ट उसका वाचन कर लेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। एक और चुनौती आती है, ये तो दूसरी चुनौती हुई रेडियो जर्नलिज्म की। एक और चुनौती की बात करते हुए मैं एक और घटना बताना चाहूँ उच्चारणों की। अभी भी आप कह सकते हैं कोशिश और कोशिश, इसमें बहुत अंतर है, शा और सा, हा और रा,
फा और फा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आप कभी कभी झटके में गलत बोलते हैं या चीज़ों, लेकिन रेडियो में इसकी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती है। कभी कभी जब हम बड़े होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे अंदर उस आंचलिकता का पुट आ चुका है, उस भाषा का समावेश हम में हो चुका है, और जब हम नौकरी लेने जाते हैं या जब हम काम करने जाते हैं, तब मुझे अचानक से रियलाइज़ होता है या हमें पता चलता है कि नहीं, हम में यह दिक्कत आ रही है। सेम वही घटना मेरे साथ भी घटी है। एक बार जब मैंने पूर्वांचल में या इधर के रेडियो स्टेशंस में काम किया, बहुत कम लोगों ने मुझे टोका या शायद नहीं टोका, लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली के साइड में गई, मैंने नोएडा, मेवात और उन रेडियो स्टेशंस को टच किया और वहाँ पे मैंने प्रोग्राम देने चाहे, पहला प्रश्न मेरे पास उच्चारण की समस्या का आया। पहला प्रश्न यही हुआ कि आप आंचलिक भाषा से आ रही हैं तो आप कैसे एक मेट्रो सिटी में प्रोग्राम्स दे सकती हैं। उस वक्त का जो दौर था, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी और मुझे ये पता था कि FM और कम्युनिटी रेडियो ही एक टारगेटेड प्रोग्राम से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे आसानी से नौकरी मिल सकती है, क्योंकि उसमें मेरा एक्सपीरियंस भी था और मैं काम भी कर रही थी। और उस वक्त गाजियाबाद में रेडियो हिंट की मैं ये बात बता रही हूँ, वहाँ पे जब गई और उन सेम ये प्रश्न मेरे साथ आया, तब फिर हमने कहा हम बहिन लोग जानत हैं कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, लेकिन एक ऐसा क्लास है, एक ऐसा तबका है जिस सबके उच्चारण में दिक्कत है और हम यही खातिर प्रोग्राम बनाई और वही लोगों के लिए प्रोग्राम बनाई। मेरा ये कहना था, उस आंचलिकता का प्रयोग करना था कि वहाँ पे मुझे जॉब मिली। बहुत दूरी की वजह से मैं नहीं कर पाई, लेकिन मुझे वो जॉब मिली। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास समस्याएं आती हैं, तो ये सिर्फ रेडियो जर्नलिज्म की बात मैं नहीं करूँगी, छात्रों या दोस्तों मित्रों, ये पूरे पत्रकारिता की बात है। हम जो किताब में पढ़ते हैं वो एकदम अलग पढ़ते हैं, और जब हम रियल दुनिया में जाते हैं तो हम एकदम अलग पढ़ते हैं। इसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी, आज से करनी होगी, और उन घटनाओं को कैसे रेडियो में बोल रहे हैं, कैसे टीवी में बोल रहे हैं और कैसे प्रिंट में लिख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही होता है। और इसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, जिसमें कि मैं आपको पूरा बताऊंगी कि रेडियो की राइटिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उन राइटिंग्स को चीज़ों को करने चाहिए, कैसे भी कोई एक रेडियो प्रोग्राम बनता है, और उस रेडियो प्रोग्राम बनाने के लिए कैसे उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उस स्क्रिप्ट का प्रसारण कैसे होता है, और उस स्क्रिप्ट को बोलते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर बाद में रिकॉर्डिंग करते हैं कैसे उसमें म्यूज़िक की मिक्सिंग करते हैं, कैसे साइलेंस का प्रयोग करते हैं, कैसे चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी कितने तरीके की विधाएँ रेडियो में हैं, ये बताऊंगी मैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरी क्लासेस तभी अच्छी हो पाएंगी जब आपका साथ मिलेगा, जब आप कमेंट्स करेंगे, जब आप सवाल पूछेंगे, जब आप अपनी जिज्ञासाओं को मुझ तक पहुंचाएंगे। कोई भी शिक्षक, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी आरजे अधूरा है अपना छात्रों के बिना, अपने दर्शकों के बिना और अपने श्रोताओं के बिना। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। चलते चलते नमस्कार, अपने कमेंट देते रहिए और अपना स्नेह प्यार के साथ साथ अपनी जिज्ञासा को बरकरार रहिए और सवाल पूछते रहिए। नमस्कार।